मंदिर का गेट सामने की तरफ है और ये लाइन पीछे से बन के आ रही है और काफी सारे यहाँ पर जानवरों के सीन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं और पीछे कुछ वहाँ से स्मॉल स्टार्ट होता है और आगे जाकर वो जहाँ तक आपको ये लाइट दिख रही है वहाँ तक ये पूरा मॉल रोड है। 400 मीटर में यहाँ बहुत कुछ है करने को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं मनाली आया हूँ। बहरहाल, अगर आपको नहीं पता कि मैं मनाली आया हूँ तो मैं बता दूँ कि फ़िलहाल मैं मनाली में हूँ और अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जो दर्शन कराने वाला हूँ माँ हिडिंबा देवी जी का जो टेम्पल है, मैं उसी का दर्शन कराने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रास्ता है माँ हिडिंबा मंदिर जाने का। तो ये सीधा, ये जो पैदल वाले जो हैं वो इस रास्ते से जाएंगे और अगर किसी के पास कार है तो वो आगे से जाएंगे। और इधर आने का रास्ता में अगर मैं बता दूं तो सामने जो ये रास्ता जब जा रहा है, ये माल रोड से लेकर ओल्ड मनाली जाने वाला जो रास्ता है उसी पर आना है और उधर ही आपको कट दिख जाएगा माँ हिडिंबा देवी मंदिर जाने का। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। अगर आप मॉल रोड के आसपास ही स्टे कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर ही चलना होगा और आप यहाँ मंदिर में पहुँच जाएंगे। और मंदिर में जाने का जो रास्ता है ना, यानी जो बाय वॉक जो जाने का रास्ता है, वो वहाँ की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप रास्ता देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर पूरा रास्ता बनाया गया है, कुछ स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स से हम अंदर चलते हैं। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है और देखेंगे कैसे ये पूरा रास्ता जंगलों के बीच से जाता है और वाकई मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग ये पूरा ट्रैकिंग होने वाला है मंदिर तक का। तो मैं पहले ये ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आपको मैं ऊपर मंदिर में मिलता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के जो ट्रेल है, ट्रेल में आपको जाना होता है जैसे आप ये देख पा रहे हैं। और ऊपर यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकान और आपको यहाँ पर याक मिल जाएगा फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। आप यहाँ पर इस याक के साथ फ़ोटो भी ले सकते हैं। और अगर ये देखेंगे तो ये सामने का रास्ता है मंदिर को जाने का और सामने उधर मंदिर है। तो अभी हमारा जो ट्रैकिंग है मंदिर के लिए वो अभी चालू है। तो मंदिर पहुंचते हैं फिर आपको मैं मंदिर का दर्शन कराता हूं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां पर समर्पित एक अद्वितीय मंदिर है। मनाली की सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक हिडिंबा देवी मंदिर को स्थानीय भाषा में ढूंगरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिर ढूंगरी वन में स्थित है जो कि देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, मनाली में फिलहाल स्नोफॉल तो नहीं मिला, हाँ रेनफॉल जरूर मिल गया। बहुत ही महीन बारिश हो रही है यहाँ पर अभी और जो मौसम है लगभग 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर है अभी, काफ़ी ठंड है। और इस ठंड में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो मंदिर के श्रद्धालु हैं, मंदिर का गेट सामने की तरफ है और ये लाइन पीछे से बन के आ रही है और यहाँ पर लोग आप जैसा देखेंगे लाइन लगा के माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। और मंदिर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर एक ढूंगरी वन है, जैसे ये ढूंगरी वन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस वन को ढूंगरी वन कहा जाता है। और आसपास आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, यहाँ का जो लोकल ड्रेस है उस ड्रेस को लगाकर आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी आप शूट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मनाली का काफ़ी प्राचीन और फेमस मंदिर है। अगर आप मनाली आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग जो है मनाली आते हैं और यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए नहीं आते, पर यहाँ के माता के दर्शन ज़रूर करिए और आने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। हार्डली मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में आप ऊपर आ जाएंगे और मंदिर के दर्शन करके आप आराम से यहाँ पर फ़ोटो शूट कर सकते हैं और एक पहाड़ी वन में बड़ा सुंदर समय आप यहां बिता सकते हैं। हिडिंबा देवी टेम्पल से जब हम इस रास्ते से आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर हम जब आएंगे इधर स्ट्रेट आना होता है तो हमको यहाँ पर घटोत्कच मंदिर भी मिलता है। और यहाँ पर एक्जैक्टली यहाँ पर मंदिर नहीं बना हुआ है, यहाँ पर एक पेड़ के नीचे ही उनकी पूजा की जाती है
और जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनकी यहाँ पर एक स्थापना की गई है और काफ़ी सारे यहाँ पर जानवरों के सींग वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप जब अगर हिडिंबा देवी टेम्पल आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी आकर दर्शन करके जाइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 15 मिनट लगता है ओवरऑल। रियली गाइज, यार ये जंगल जो है ना, रियली काफ़ी बढ़िया जंगल है। और ये जंगल वही जंगल है जहाँ पर हिडिंबा देवी टेम्पल और घटोत्कच टेम्पल। और फिलहाल मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ, ओ माई गॉड, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि जो लॉन्ग कट था बहुत लंबा था। और ये अगर आप देखोगे ना ये सीन, तो ये सीन देखिए जैसा लगेगा जैसे कि आप किसी मूवी में देखते हैं ना, बिल्कुल सुन वैसा ही सीन है ये। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे ये पेड़, और क्या सुंदर व्यू है बॉस, रियली बॉस, ये तो जन्नत से कम नहीं। तो गाइस यहाँ पर ना स्नोफॉल का पूरा मौसम बन चुका है, पर स्नोफॉल नहीं हो रहा है। बहुत ही महीन बारिश हो रही है, यानी रेनफॉल हो रहा है पर स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तो देखते हैं यार इस बार मेरे को स्नोफॉल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, मनाली का द मोस्ट हैपनिंग प्लेस मॉल रोड और शाम का टाइम, एक ग्रेट मतलब कॉम्बिनेशन है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये मॉल रोड का पूरा सीन है, और ये देखिए पूरा मार्केट मॉल रोड का। और मॉल रोड की जो रौनक है वो अपने आप में बहुत खास है। यहाँ पर लोग कई शॉपिंग करने के लिए आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मॉल रोड के आसपास आपको बहुत सारे होटल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। हालांकि जो होटल ऑप्शन मॉल रोड के सामने है वो थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, पर यहाँ पर जो वाइब्स है ना आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी यहाँ पर जो पब्लिक है पूरी यहाँ पर आ चुकी है, जो भी मनाली अभी आए होंगे वो यहाँ पहुँच चुकी है या पहुँचने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारे आपको दुकान दिखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारे दुकान है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़े, यानी कि बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। यहाँ पर देखिए आप भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है, जैसा आप स्टैचू देख पा रहे हैं। और स्टैचू के आसपास ही मॉल रोड का एरिया शुरू हो जाता है, और पीछे कुछ वहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होता है, और आगे जाकर वो जहाँ तक आपको ये लाइट दिख रही है वहाँ तक ये पूरा मॉल रोड है। और इतने ही मतलब ये लगभग कुछ नहीं तो 300 से 400 मीटर की दूरी है, और इस 400 मीटर में यहाँ बहुत कुछ है करने को। सो दोस्तों, मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आप मनाली आए तो यहाँ आए कि ना आए, यहाँ तो हर कोई आता है। आप रियली यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप जैसे यहाँ देखेंगे तो मैंने भी यहाँ पर इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, वाइफ के लिए बच्चों के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है। और रियली प्राइस वाइज अगर मैं बोलूँ तो, हालांकि मैं जैसे दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में काफ़ी जैसे चांदनी चौक जैसे मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत सारे सस्ते सामान मिल जाते हैं, पर यहाँ पर प्राइस वाइज मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ठीक ठाक लगे, क्योंकि जो भी सामान जो मैंने लिए वो मुझे प्राइस जो उनके लिए बोला गया वो रीज़नेबल लगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो शॉपिंग के ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं, और जैसे अगर मैं आपको दोबारा बोलता हूँ यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको गोलगप्पे वाले मिल जाएंगे, मोमो वाले मिल जाएंगे, मतलब चाइनीज़ इटालियन एवरीथिंग यहाँ पर मिल रहा है। और बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। तो यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 2-3 घंटे आपको पता ही नहीं चलेंगे कब चले गए। और मुझे यहाँ पर आए हुए मैं शाम को आया था और यहाँ रात होने को है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मॉल रोड का जो यहाँ पर वाइब्स है ना, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग वाइब्स है। और मेरे साथ यहाँ पर 2-3 यहाँ पर जो विजिटर्स हैं वो आए हुए हैं, और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो भाई आप कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद। हैदराबाद से आए हैं, कब आए आप? हम मंडे हो रहा कल आए, यानी मंडे को आए हो आप? मंडे को आए और वनडे हो रहा। अच्छा, वनडे हो रहा है, लास्ट डे। ओके, और कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा है, अभी स्नोफॉल होने वाला है आज शाम को, होपफुली। अभी जैसे बारिश हो रही थी अभी तो लग रहा है कि कल, वेदर तो दिखा रहा है कि स्नोफॉल होने वाला है। स्नोफॉल हो गया ऑलरेडी, अटल टनल पे हो रहा है स्नोफॉल। अच्छा, अटल टनल पे हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। और कैसा लगा यहाँ का पूरा वाइब? मस्त, बहुत मस्त। और ठंडी कैसी लगी यहाँ की? कंट्रोल नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ, साउथ में सर्दी कम होती है, तो यहाँ पर आके वो एक माहौल को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे, मनाली एक बार लाइफ में तो आना बनता है, हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, हर इंसान को एक बार आना चाहिए, मनाली आके विजिट करना चाहिए। सो गाइज, मनाली जरूर आइए, और रियली अब मनाली में आकर बहुत सारा टाइम इस समय यहाँ पर स्पेंड कीजिए मॉल रोड में, और शाम का टाइम ग्रेट कॉम्बिनेशन।
मॉल रोड सामने है और मॉल रोड के बिल्कुल बगल में यहाँ पर रोडवेज का बस स्टैंड है और यहाँ से आपको अम्बाला, पंजाब, दिल्ली के लिए बसें मिल जाती है बड़ी आराम से। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डिनरी बस और एसी बस दोनों यहाँ से निकलती है और दिल्ली के लिए भी यहाँ जो हिमसुता की बसें वो यहीं से आपको मिल जाएंगी। तो ये बस स्टैंड है और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बनाली आए हैं तो मॉल रोड के पास ही अपना रूम लीजिए, जितना हो सके मॉल रोड के पास ही लीजिए, क्योंकि ये जो बस का जो अगर आप रोडवेज की बस लेते हैं तो आपको आराम होगा यहाँ से चढ़ने उतरने के लिए। फ्रेंड्स, हिडिंबा देवी टेम्पल और मॉल रोड घूमने के बाद मैं तो बहुत थक गया हूँ और अगर मैं अगर बात करूँ तो लगभग अभी 8 बज रहे हैं और मैं अभी रूम पे आया हूँ और बहुत थक गया हूँ, अब तो रेस्ट ही करूँगा। पर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना तो मैंने आज बहुत थरोली एंजॉय किया मॉल रोड को। तो अगर मॉल रोड की बात करें ना तो मॉल रोड में थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, अगर आप बार्गेनिंग कर लेंगे तो आप अच्छे रेट में सामान आराम से खरीद सकते हैं। और रियली मैंने मॉल रोड को आज ना थरोली एंजॉय किया, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बहुत ही मज़ा आता है उधर, आप घंटों वहाँ बैठ सकते हैं। वहाँ पर रोड के दोनों तरफ बैठने की जगह बनी हुई है, आप घंटों बैठिए वहाँ पर, खाइए पीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। रियली मॉल रोड बहुत ही बढ़िया जगह है। तो दोस्तों, इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करने का समय हो गया है। तो मिलते हैं ऐसे व्लॉग के साथ, तो प्लीज़ अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।